तो चलो भाई साहब, आज हम बात करने वाले हैं स्टाइलिश सुपरस्टार यूथ आइकन पैन वर्ल्ड सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की मच अवेटेड ब्लॉकबस्टर मूवी यानी पुष्पा द रूल पुष्पा पार्ट टू के बारे में। तो फाइनली मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है पुष्पा टू यानी पुष्पा द रूल का रिलीज डेट, यानी ये मैग्नम ओपस ब्लॉकबस्टर मूवी हमें कब देखने को मिलने वाला। तो जो रिलीज डेट यहाँ पे चुना गया है मेकर्स की तरफ से इस मूवी के लिए, वो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, अगर आप लोग अभी तक नहीं बता तो मैं बता दू, जो रिलीज डेट पुष्पा 2 के लिए चुना गया है उसके अंदर होने वाला एक बहुत ही बड़ा क्लैश, यानी अगले साल 2024 के 15 अगस्त को आप लोगों को पुष्पा 2 फ्लोर में आता हुआ यानी रिलीज होता हुआ नजर आए। यानी आप लोग फिर से कह सकते हो कि बॉक्स ऑफिस को फिर से आरआईपी करने, बॉक्स ऑफिस मॉन्स्टर आ रहा है 15 अगस्त को 2024 में। ये मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट। और जो मैंने आप लोगों को कुछ सेकंड पहले ही कहा यानी क्लैश के बारे में, तो आप लोगों को पता होगा शायद कि रोहित शेट्टी की कॉपी यूनिवर्स यानी सिंगम 3 जो है वो भी पहले से अनाउंस्ड है उसी डेट के ऊपर। और कहीं ना कहीं कह सकते हो कि इस टाइम पे फ्रेंचाइजी मूवीज बहुत पॉपुलर है और ऑडियंस के बीच में बहुत ही ज्यादा क्रेज करता है। कोई भी फ्रेंचाइजी मूवीज हो उसका अगर कोई पार्ट आए तो ऑडियंस एक्साइटेड होता है। तो हिंदी के अंदर सिंघम का इस मूवी का भी जो क्रेज है वो हिंदी ऑडियंस के लिए बहुत तगड़ा है। और पुष्पा को आप कैसे भूल सकते हो, उसका भी एक अलग ही कांड लेवल का क्रेज है। अल्लू अर्जुन सर का जो नॉर्थ के अंदर यानी हिंदी में भी जिस लेवल का फैन फॉलोइंग है भाई साहब, वो अलग ही लेवल का है। और पुष्पा के बाद से तो इस फ्रेंचाइजी का भाई अलग ही लेवल का क्रेज हो चुका। तो इस टाइम पे ये आराम से कहा जा सकता है कि पुष्पा जैसे फ्रेंचाइजी के सामने कोई भी दूसरा मूवी नहीं चाहेगा कि भाई अपना मूवी का क्लैश, यानी सरल भाषा में अगर कहा जाए तो खुद के पैर में कौन ही कुल्हाड़ी मारना चाहेगा और खुद का कौन ही कटाना चाहेगा, तो यही सीन है। तो भी आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग इस क्लैश को क्लैश मानते हो, आप लोगों को क्या लगता है कि इनमें से कौन सा मूवी आगे जाएगा या फिर इन दोनों का क्लैश होगा, अगर होगा तो कौन सा मूवी बिकरेगा कौन सा मूवी निखरेगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर मेरे से पूछा जाए, मेरे पर्सनल थिंकिंग के हिसाब से भाई सिंघम 3 को आगे जाना चाहिए, क्योंकि भाई इस टाइम पे ना इस मूवी का इस लेवल का पावर है। क्योंकि कुछ ऐसे मूवीज होते हैं ना जिनके नाम से ही फैंस के अंदर एक अलग लेवल इमोशन छुपा होता है, और वो ये मूवी है। इस टाइम पे ये मूवी एक आग है और इसके सामने अगर कोई भी आएगा तो भाई वो बेवकूफी होगा। तो इसीलिए मेरा मानना है कि शायद सिंघम 3 को आगे जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सिंघम 3 कोई छोटा मूवी है, ये कह सकते हो कि रोहित शेट्टी की ये कॉप यूनिवर्स की भाई बहुत ही बड़ी मूवी है और इसका भी क्रेज बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर ये पुष्पा 2 के साथ क्लैश करता है तो मेरे हिसाब से बेवकूफी होगा, और पुष्पा 2 के सामने इस टाइम पे क्लैश करना एक क्या कह सकते हो। और कुछ यहाँ पे सुनने में आया कि कमल हुसैन साहब की जो इंडियन 2 मूवी है वो भी शायद 15 अगस्त को रिलीज होगा, कुछ इस तरीके से भी मैंने सुना। तो भाई साहब फर्क तो पड़ेगा ही, अभी देखते आने वाले टाइम में कौन सा मूवी आगे जाता है कौन सा मूवी स्टिक रहता है। लेकिन मेरे हिसाब से सिंघम 3 को आगे जाना चाहिए, क्योंकि अगर पुष्पा 2 के साथ ये क्लैश करेगा तो जितना भी कलेक्शन वो कर सकता था वो शायद उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है, क्योंकि पुष्पा 1 आप लोगों ने देखा होगा किस लेवल पर उसने तबाही मचाया था कोविड के टाइम में ही। तो सोचो अब तो कुछ भी नहीं है, और ये मूवी पार्ट 2 है, इसको और भी बेहतरीन तरीके से बनाया गया और भी बहुत ज्यादा चीजें, तो ये कैसा अंगार वाला मूवी होगा खाली सोच के देखो। क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मेरे साथ कहिए पुष्पा पुष्पा दरू, ये रुकेगा भी नहीं और झुकेगा भी नहीं साला। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।